गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। हम लोगों ने अभी तक टाइप्स ऑफ वायर्स एंड केबल्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम का जो टाइप्स है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि हमें जो वायरिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है वो किस बेसिस पे करना है। तो टू नो अबाउट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ वायरिंग एंड इट्स टाइप्स, के हमारी वायर को कैसे सिलेक्ट करना है और वायरिंग टाइप्स कौन सी होती हैं। तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ वायर्स पढ़ा था, जिसमें हमने पीवीसी पढ़ा अकॉर्डिंग टू द इंसुलेशन, फिर उसके बाद हमने कॉपर एंड एल्यूमिनियम पढ़ा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कंडक्टर यूज एंड ऑल दैट। तो सेकेंड हम देखेंगे कंडीशन एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑल डोमेस्टिक कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन स्टेप्स। तो अब डोमेस्टिक वायरिंग जो हम नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इट इज़ डिफरेंट क्योंकि हमारा लोड वहाँ पर डिफरेंट होता है। कमर्शियल में आर लोड इज़ डिफरेंट एंड इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में हमारा लोड डिफरेंट होता है। तो इसीलिए हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हमें किस तरीके से करना है अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, हमें वायरिंग कैसे करनी है, कौन से सर्किट पर कैसा वायरिंग करना है, डिस्टेंस कितना होना चाहिए। एंड थर्ड इज एस्टिमेशन एंड वायरिंग कैलकुलेशन फॉर डोमेस्टिक बिल्डिंग विच इज़ इन योर सिलेबस, के हमें डोमेस्टिक बिल्डिंग में अगर इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी है तो उसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या है कि हमें एस्टिमेट बनाना है कि वायर हमें कितना रिक्वायर्ड है। अगर हम बल्ब लैम्प्स लगा रहे हैं हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, स्विचेस कितने रिक्वायर्ड, तो सबसे पहले एक कम्प्लीट हम लिस्ट ऑफ मटीरियल उसका एस्टिमेशन निकालेंगे एंड देन हम वायरिंग करेंगे। तो उसका कैलकुलेशन है फॉर डोमेस्टिक बिल्डिंग। सबसे पहले आपको तो नॉर्मल लैंग्वेज में पता है वायरिंग क्या होता है। वायरिंग होता है कि तारों को बिछाना, दैट इज़ नॉर्मल एम लैंग्वेज। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की सेंस में बात करें, हाउ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स विल डिफाइन वायरिंग, तो इट इज़ द सिस्टमैटिक लेइंग ऑफ वायर्स फॉर द स्मूथ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट डिफरेंट यूटिलिटी प्लेसेस विद अटमोस्ट सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। तो ये हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक लेइंग ऑफ वायर्स, वायर्स का हिसाब से उनको बिछाना, किस जगह पर कितना वायर रिक्वायर्ड है, वायर के बीच का डिस्टेंस कितना है, फॉर द स्मूथ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ताकि इलेक्ट्रिक करंट स्मूथली फ्लो करे, उसमें कोई हिंड्रेंस ना आए, एट डिफरेंट यूटिलिटी प्लेसेस, जहाँ जहाँ हमें पर हमारा लोड रिक्वायर्ड है वहाँ तक हमारी जो करंट है वो ईजिली फ्लो करे विद अटमोस्ट सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। जो हमारा ऑपरेटर है, जो स्विच हम जैसे नॉर्मली घर में स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तो हमें शॉक ना लगे, हमें कैसे सेफ्टी प्रिकॉशंस देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वायर को जब हम ले करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल वायरिंग। और सेकेंड हमारा एस्टिमेशन, मैंने आपको बताया था कि एस्टिमेट क्या होता है, एक आइडिया हमें मिलता है जो फाइनल प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट कितना होगा वो हमें बताता है। तो एस्टिमेशन इज एस्टिमेटिंग वायर्स एंड डिफाइन द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कि हमें वायर कितनी रिक्वायर्ड है और हमें जो इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट करने में हमारा कितना पैसा जाएगा। अब वायरिंग जो है हमारे पास वो दो तरीके की होती है, एक होती है डोमेस्टिक वायरिंग, दूसरी होती है इंडस्ट्रियल वायरिंग। ओके, तो डोमेस्टिक वायरिंग हमारी आ गई नॉर्मली जो हमारी घरों पर होती है, और इंडस्ट्रियल वायरिंग है सब स्टेशंस आ गए हमारे। अब हमें देखना है कि हम वायरिंग कर तो रहे हैं, लेकिन हमें उसमें जो यूज़र जो उसको चाहिए है, जो ओनर है बिल्डिंग का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सिलेक्शन करना है कि उसके पास मनी कितना है रिजर्व्ड, अच्छा उसको क्या रिक्वायर्ड है, अब उसको किस किस रूम में हमारा कितना लोड है, वहाँ कौन सी वायर लगाया जाएगा। तो हमें डिफरेंट पॉइंट्स आर टू बी कंसिडर फॉर सिलेक्शन ऑफ वायरिंग, हमें पॉइंट्स कंसिडर कर। तो पहला पॉइंट है इनिशियल कॉस्ट। हर किसी प्रोजेक्ट के शुरू करने से पहले हमें एक इनिशियल कॉस्ट देखनी होती है, कंसिडरिंग द ओल्ड प्रोजेक्ट्स, जो हमने पुराने प्रोजेक्ट्स को किया वायरिंग किया है, तो उनके लिए हमें वो इनिशियल कॉस्ट देखना होता है। तो इनिशियल कॉस्ट जो है हमारी, इट शुड बी इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मतलब हमारा नॉर्मली बजट में आके इनिशियल कॉस्ट। सेकंड इज़ ड्यूरेबिलिटी, इट मस्ट बी एबल टू विदस्टैंड विद एंड टेयर, वेयर एंड टेयर
ड्यू टू वेदर. अब इन्होंने तो सिर्फ नॉर्मली वेदर बताया, लेकिन इसमें डिफरेंट कंडीशंस हमारी आती हैं, जैसे हमारा ह्यूमिडिटी आ गया, रूम टेम्परेचर आ गया. तो हमारा जो वायर है वो क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी कोई भी वेयर एंड टेयर वो विदस्टैंड कर ले, बेयर कर ले. सेफ्टी फ्रॉम फायर, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ फायर एज फार एज पॉसिबल. तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, जैसे मैंने आपको पीवीसी वायर्स पढ़ाया, मैंने आप लोगों को बताया था वीआईआर केबल्स, वुल्कनाइज्ड इंडियन रबर, तो उनका एक वोल्टेज ग्रेडिंग वहाँ पर दिया हुआ था. जैसे हमारा 250 वोल्ट्स दिया था, एंड देन 650 to 1100 वोल्ट्स दिया था. तो एक वोल्टेज ग्रेडिंग जो होता है, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, के ये हमारा जो वायर है वो कितनी वोल्टेज बेयर कर पाएगा. तो अकॉर्डिंगली हमारा फायर सेफ्टी के लिए भी उसका चेक होना चाहिए. मैकेनिकल प्रोटेक्शन, तो ये मैकेनिकली प्रोटेक्शन, इट मस्ट प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू द केबल्स. जो भी हम वायरिंग सिस्टम करेंगे, जैसे हम बैटन्स लगाते हैं, कॉन्ड्यूट वायरिंग करते हैं, तो हमारे वो केबल्स को मैकेनिकली प्रोटेक्ट करना चाहिए, स्ट्रेंथ करना चाहिए, ताकि कोई भी इंजरी उनको ना हो. परमानेंसी, द वायर मस्ट नॉट बी अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ वेदर, फ्यूम, डैम्पनेस एंड केमिकल्स. तो हमारा जो वायरिंग सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि वेदर, वेदर इन द सेंस हमारा ह्यूमिडिटी, सन सन के रेज से जो हमारा इंसुलेशन ख़राब ना हो, फ्यूम्स, डैम्पनेस, केमिकल्स, तो जितना भी ये सारा इफेक्ट नहीं करना चाहिए. तो परमानेंसी वायरिंग की अच्छी होनी चाहिए, वायरिंग सिस्टम की. अपेयरेंस शुड बी गुड इनफ टू. अब आप अपेयरेंस का पॉइंट आता है, तो अपेयरेंस में क्या है, आप कहीं पर जाते हो नॉर्मली किसी टेम्प्रेरी बिल्डिंग जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, आप देखोगे इतनी तारें बिछी हैं एक ही वॉल से, हम बल्ब से पे लेके जा रहे हैं, तो वो देखने में कितना शैबी लुक देता है. तो इसीलिए हमारी जो अपेयरेंस, ताकि हम जब नॉर्मली सारा हमारा घर का कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाए, घर कंस्ट्रक्ट हो जाए, तो हमारा जो अपेयरेंस वाइज जो वायरिंग है वो सामने दिखनी नहीं चाहिए, अच्छा लगना चाहिए वहाँ, एक शैबी लुक नहीं दिखना चाहिए. एक्सेसिबिलिटी, इट शुड बी ईजी टू एक्सटेंड और रिपेयर द वायरिंग. तो एक्सेसिबिलिटी, जैसे हमारे पास जो चेक पॉइंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, मैंने कॉन्ड्यूट में आपको दिखाया भी था, हमारे नॉर्मल चेक पॉइंट्स होते हैं, और आगे मैं आपको बताऊंगी जिनको ओपन करके हम चेक कर सकते हैं कि किस वायर में से हमारे पास जो इट इज़ नॉट वर्किंग, कौन सा कंडक्टर वर्क नहीं कर रहा है, कौन सी वायर को रिपेयर की ज़रूरत है, कहाँ शॉर्ट सर्किट आया, कहाँ हमें वायर को रिप्लेस करना है. लाइफ, मतलब एक्सेसिबल हमारी अप्रोच में होना चाहिए. नेक्स्ट इज लाइफ, द सिस्टम शुड हैव अ गुड लाइफ टाइम. अगर आप इतना पैसा लगा के एक वायरिंग कर रहे हो अच्छे स्टैंडर्ड्स की, तो उसका जो लाइफ टाइम है वो भी अच्छा होना चाहिए. ये नहीं कि एक साल बाद हमें दोबारा से वायरिंग सिस्टम सारा कंस्ट्रक्ट करना पड़े, दोबारा से सारी वायरिंग रिप्लेस करनी पड़े. तो हम जब प्रोजेक्ट करते हैं, हमें अपना प्रेजेंट, फ्यूचर सब देखना होता है, कि फ्यूचर में अगर कोई एक्सटेंशन कर रहे हैं तो हमारा कैसा होगा, कहाँ से कौन सा पॉइंट लिया जाएगा. तो मेंटेनेंस कॉस्ट, इट शुड बी लो. अगर आपने अच्छा स्टैंडर्ड मटेरियल लगाया, तो ऑब्वियसली उसकी उस पे मेंटेनेंस भी कम लगेगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ वायरिंग एंड इट्स टाइप्स. तो सबसे पहले हमारे पास आती है क्लीट वायरिंग, ठीक है. सेकंड इज वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायरिंग. नेक्स्ट लेड शीट वायरिंग, कॉन्ड्यूट पाइप वायरिंग, CTSO, TRS शीट वायरिंग. अब इनमें से कुछ वायरिंग्स आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी देखते हो, लेकिन आपको उनका पता नहीं होता है कि हम इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या होगा इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज. तो क्लीट वायरिंग जो हमारे पास आता है, मैंने आपको एक बार क्लासरूम में भी दिखाया था, जो हुक टाइप वो प्लास्टिक का हमारे पास मैंने आपको दिखाए थे, वो आते हैं PVC के, हमारे जिनके थ्रू हमारे क्लू कॉन्ड्यूट या बैटन को पास किया जाता है, तो उस टाइप की वायरिंग हमारी क्लीट वायरिंग होती है, जो हम टेम्परेरी वायरिंग के लिए यूज़ करते हैं. मतलब हमें कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम किया, हम कहीं पे साल भर के लिए रह रहे हैं, कुछ महीनों के लिए रह रहे हैं, तो हमने बल्ब वहाँ पे लगाया, उसके लिए हमने वायर को पास कराया है किसी वॉल से, तो हमने वहाँ क्लीट का यूज़ किया. तो एक टेम्परेरी, हम किसी भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में या कहीं भी रह रहे हैं, तो वहाँ क्लीट वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है. सेकंड आती है वुडन केसिंग एंड कैपिंग वायर. अब केस इज़
आपने जैसे हमारा नॉर्मल हम देखेंगे कोई बॉक्स है, तो बॉक्स का इंटीरियर जिसमें हम कोई चीज़ रख रहे हैं तो वो हमारा केस हो गया, और उसके ऊपर उसका ढक्कन, दैट इज़ कैप। तो ये भी वैसे ही होता है कि वुड का है पर इसमें एक केस है और उसकी कैपिंग है, और उस केसिंग और कैपिंग के बीच में से वायर्स को पास किया जा रहा है। नेक्स्ट इज लेड शीथ वायरिंग। तो हमारा दिस टाइप ऑफ वायरिंग इंक्लूड द केबल्स दैट हैव एन इंसुलेशन ऑफ लेड शीट, मैंने आपको ये बताया भी है। नेक्स्ट इज कॉन्डूट पाइप वायरिंग। तो कॉन्डूट हमारी इंटरनली भी होती है, जो हिडन कॉन्डूट होता है, और एक हमारा कॉन्डूट जो हम नॉर्मली वॉल के ऊपर से बाहर एक्सटीरियरली हम पास करते हैं। तो कॉन्डूट पाइप हमारे पास, आपने जैसे देखा होगा हम कहीं पे मकान की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपने लोहे की वहाँ पे पाइप्स देखी होंगी, हम क्या कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, हम बुलाते हैं कि भाई यहाँ पे हमें वायरिंग करनी, तो हम क्या करते हैं लोहे की पाइप, जैसे वाटर पाइप होती है, हम उससे क्या करते हैं वायर्स को पास करवाते हैं, और फिर हमारे जो स्विच बोर्ड्स होते हैं तो वहाँ तक उसको पहुँचाते हैं। तो वो जो पाइप है, दैट आयरन पाइप, दैट इज़ नोन एज कॉन्डूट, जिसको आजकल कौन रिप्लेस कर रहा है, पीवीसी कॉन्डूट्स, जो हम नॉर्मली आपने देखे भी होंगे, जैसे प्लास्टिक का पाइप है हमारे पास जिसमें से हमारा पीवीसी का पाइप जिससे हमारी वायरिंग को पास किया जा रहा है। तो ये हमारी हिडन भी होती है, जो हम बीनीथ द वॉल, जब वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके अंदर से ग्रूव हम बनाते हैं और उसमें उस कॉन्डूट को रखते हैं, और बाहर से हम फिर क्या कर देते हैं, उस वॉल को पूरा बंद कर देते हैं। और एक होता है जो कॉन्डूट हमारा वॉल के ऊपर से एक्सटीरियर, जो हमें विजिबल होगा, जिसको हम देख पाएंगे। एंड देन CTS और TRS शीट वायरिंग। तो ये भी मैंने आपको बताया, दैट इज़ कैब टायर शीट और टफ रबर शीट वायरिंग, तो जिसमें ये इंसुलेशन यूज़ किया जाता है, दैट इज़ दैट वायरिंग। आज आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं ये सारी टाइप्स बताऊँगी। थैंक यू।